भेड़ बकरियों की तरह इस छोटी सी सड़क पर भागने वाले ये नौजवान कोई और नहीं डॉल्फिन फोर्स के लिए चुने गए उम्मीदवार हैं, जिन्हें आज मुकर्रर वक्त में दौड़ पूरी करके ये साबित करना है कि इन जैसा कोई नहीं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि पहले तो पुलिस वालों ने उम्मीदवारों को सुबह 6 बजे बुलाकर भूखा प्यासा बिठाए रखा और फिर सिर्फ 7 मिनट का वक्त देकर दौड़ने का कह दिया। दौड़ने वाले उम्मीदवार क्या करते, मुकर्ररा फासला तय करने को थे कि पुलिस ने पहले ही दौड़ के रास्ते में आगे बिठाए हुए अपने सिफारशी उम्मीदवारों को थपकी दी, जो छट से दौड़ अबूर कर गए और जिनकी पर्ची नहीं थी वो बेचारे मुंह तकते रह गए। और उस पर सितम ये कि उन्हें थप्पड़ भी रसीद किए गए। हमारा टाइम है पूरा 7 मिनट, इन्होंने हमें 6 मिनट और 12 सेकंड दिए। मैंने फिर भी रस्से को पकड़ा, रस्सा क्रॉस किया, इन्होंने जबरदस्ती मुझे वहाँ से घसीटा और ये देखे मेरे चोटें भी लगी हैं। सुबह 6 बजे के हैं भाई, ना इन्होंने कोई टेंट का इंतजाम किया हुआ, ना कोई पानी का इंतजाम किया हुआ, खुद ये सब पुलिस वाले टेंट में बैठे हुए हैं। उधर पुलिस अफसरान का कहना है कि डॉल्फिन फोर्स पंजाब पुलिस की बेहतरीन फोर्स होगी, इसलिए मतलूबा काबिलियत पर उतरने वाले उम्मीदवार ही चुने जाएंगे। कभी दौड़ तो कभी छाती और कद का माप, पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद ये नौजवान पूरा दिन जिस्मानी टेस्ट की अजियत झेलते रहे। कैमरामैन जर्क शहबाज के साथ रजा जैदी, 92 न्यूज़ लाहौर।